Hi friends, welcome to our channel. In this episode, we are going to solve numerical 3 of a 3-phase transformer which is of different type than other two numericals which we have seen in the last episodes. So, dekhiye, a 3-phase delta star transformer has an equivalent resistance of 1% and equivalent reactance of 6%. Primary voltage is 6600 volt. What must be the ratio of transformation in order that it will deliver 4800 volt at full load current and 0.8 power factor lagging? तो यह numerical है, delta star transformer है, मतलब primary delta में है, secondary star में है. तो देखो, in delta में दोनों voltages same रहते हैं, यह हमें पता है, और current different रहता है, IL is equals to root 3 Iph. और स्टार सेकेंडरी साइड में अभी यहाँ क्या होगा, वोल्टेजेस डिफरेंट आएंगे, वी एल इज इक्वल्स टू रूट थ्री वी पी एच, और लाइन करंट और फेस करंट दोनों इक्वल आएंगे. ऐसा रिलेशन है स्टार डेल्टा में, ठीक है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन्होंने दिया है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब वी आर हमें उन्होंने दिया है 1%. एक बात हमेशा ध्यान में रखो, उन्होंने हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस दिया है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर वो परसेंट में दिया हो तो वही होता है हमारा परसेंटेज रेजिस्टिव ड्रॉप, ठीक है. और इक्विवेलेंट रिएक्टेंस उन्होंने दिया है हमें तो वही होगा हमारा परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप. तो वी एक्स परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप हमें दिया है 6%. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज रेगुलेशन निकाल सकते. तो परसेंटेज रेगुलेशन का एक फॉर्मूला हमें पता है, वी आर कॉस फाई प्लस वी एक्स साइन फाई, बराबर है. तो इससे हम परसेंटेज रेगुलेशन निकाल सकते. उन्होंने कहा है 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग के लिए, इसलिए प्लस साइन, लीड कहा होता तो यहाँ माइनस साइन आती. तो वी आर हम डायरेक्टली डालेंगे 1, कॉस फाई 0.8, वी एक्स है 6 और साइन फाई होगा फिर 0.6. तो हमारा परसेंटेज रेगुलेशन आ रहा है 4.4%. तो हमें परसेंटेज रेगुलेशन अभी मिला है 4.4%. तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सेकेंडरी ड्रॉप निकाल सकते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप, बराबर है. तो सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 4.4% ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज. तो सेकेंडरी वोल्टेज फिलहाल कितना है, 4800 वोल्ट. देखो, इन ऑर्डर दैट इट विल डिलीवर 4800 वोल्ट, मतलब ये 4800 वोल्ट डिलीवर कर रहा है सेकेंडरी में, लोड साइड में. तो स्टार में जो लाइन वोल्टेज है, डिलीवर होने वाला वोल्टेज कौन सा रहता है, लाइन वोल्टेज. तो वो 4800 वोल्ट उन्होंने दिया है. तो 4800 वोल्ट के 4.4% मतलब कितने आएंगे, वो 211.2 वोल्ट. तो ये हो गया सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप. तो सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ लाइन टू लाइन कितना आएगा, तो वो आएगा 4800 प्लस 211.2 वोल्ट, बराबर है 5011.2 वोल्ट. ये आ रहा है सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ. ये है VL2 लाइन वोल्टेज इन सेकेंडरी, इतना है, बराबर है. तो सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ पर फेज, मतलब V2 पर फेज कितना होगा. तो स्टार है तो स्टार में तो V2 पर फेज क्या होगा, VL2 बाय रूट 3. तो 5011.2 डिवाइडेड बाय रूट 3 विच इज इक्वल्स टू 2893.22 वोल्ट. तो ये आ गया आपका सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ पर फेज, सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज. तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के
सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज पर फेज। तो सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज ये 2893.22 और प्राइमरी वोल्टेज हमारा है 6600 वोल्ट। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आ रहा है 0.438, के इज इक्वल्स टू 0.438। और हमें क्या निकालता था, व्हाट विल बी द इन ऑर्डर, व्हाट मस्ट बी द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑर्डर दैट इट विल डिलीवर 4800 वोल्ट एट फुल लोड करंट एंड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। तो ठीक है, हमने ये निकाल लिया। सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप पहले निकाला, वो वोल्टेज ड्रॉप सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ जो उन्होंने दिया था उसमें हम ऐड कर रहे थे, और ऐड करने के बाद जो टोटल लाइन वोल्टेज आया सेकेंडरी साइड में उसका परफेज वोल्टेज निकाला, और परफेज वोल्टेज सेकेंडरी का निकालने के बाद परफेज वोल्टेज प्राइमरी का तो एक ही रहेगा, जो लाइन वोल्टेज है प्राइमरी का वही फेज वोल्टेज रहेगा क्योंकि डेल्टा साइड है वो, तो डेल्टा साइड में सेम रहता है 6600। तो के आया हमारा 0.438। इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमरिकल, अच्छे से अंडरस्टैंड करो फिर कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। और देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमने सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो निकाला है वो सेकेंडरी के बाद तुरंत बाद जो ईएमएफ आता है ये है, और इसके बाद जो ड्रॉप होगा वो 211.2 वोल्ट होगा, और वो ड्रॉप होके जो फाइनल वोल्टेज आएगा सेकेंडरी का वो 4800 वोल्ट ही आएगा। लेकिन सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ हमें पता करना था, इसीलिए हमने ये जो ड्रॉप हमने ये निकाला ये सेकेंडरी के वोल्टेज में ऐड किया, जो आउटपुट साइड में अवेलेबल है सेकेंडरी लाइन वोल्टेज उसमें ये ड्रॉप ऐड किया, फिर हमें सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ जिसे हम बोलते E2 लाइन टू लाइन वो मिला, फिर हमने E2 पर फेज निकाला। तो ये जो V2 पर फेज मैंने निकाला है इसे मैं कहता हूँ E2 पर फेज, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो फिर कैसे हो गया E2 पर फेज डिवाइडेड बाय E1 पर फेज। देखो ये जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग अगर आपको करेक्ट समझ में आएगी तो अच्छा, इसलिए मैंने E1 E2 ऐसा ही बोला है क्योंकि EMF है ना, सेकेंडरी इंड्यूस EMF, प्राइमरी इंड्यूस EMF, तो E2 बाय E1, तो E1 तो 6600 ही आएगा डेल्टा में, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 0.438। ठीक है, थैंक यू।